आई एम सॉरी मिस्टर अग्रवाल. यू मीन सॉरी? सीधे सारे लफ्जों में क्यों नहीं कह रहे थे कि मंत्री साहब को भी रिश्वत चाहिए? विशाली क्या कर रहे हो? तुम्हारे कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर ये सोर्स भी आजमा लिया. लेकिन लेट्स जस्ट गो फॉर नाउ. ओके, कम ऑन. थैंक यू वेरी मच. Waiter. Yes, sir. The bottle, please. Yes, sir. Control yourself, Vishal. What control yourself? I'm not having much. You know, Aarti, this country is not meant for us. काकू जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि इतनी जल्दी हार मान ली. जी हाँ, मैंने हार मान ली. इसी आरती, काकू जी तो बहुत बड़े इंसान है. ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, दानी, धर्मात्मा, लोग उन्हें मानते हैं. उन्हें तो इन सब चीजों का सामना तो नहीं करना पड़ता ना जो मुझे करना पड़ता है. तुम तो जानती हो. क्या? मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता था इस देश में, अ हार्ट हॉस्पिटल फॉर द पुअर, जहां पर गरीब कम पैसों में या मुफ्त में अपने इलाज कर सके. Do you know something, आरती? उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है. और ना सिर्फ एक इंसान को बल्कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबको. Everybody wants bribes in this country. Everybody. हेलो अर्चना बेटे, मैं बोल रहा हूँ. जी काकू जी, मैं बोल रही हूँ. कहिए बेटा, एक बात बताओ, ये पूना से बंबई कितनी दूर है? बस बंबई की पॉकेट में ही समझिए. क्यों पूछ रहे? एक काम करो बेटे, बंबई का एक एड्रेस नोट करो. जी जी जी. विशाल, तुम्हारी जिद है इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस तो जा रही हूँ, पर ना बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना यहाँ से जाने का मैं सोच भी नहीं सकती थी. देखो आरती, मेरा तुम पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं है. अगर तुम कलकत्ता जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी रिजर्वेशन करा देता हूँ, तो चाहे तुम्हें वह आशीर्वाद मिले या नहीं. Who knows? देखो आरती, मैं जानता हूं कि तुम अब्रॉड में पली हो, लेकिन तुम्हारे संस्कार बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं. मैं इतना भी जानता हूं कि जितनी सेल्फ एस्टीम तुम में है बहुत कम औरतों में होती है. पर आरती, तुम भाऊजी की इंसल्ट करने की कैपेसिटी को नहीं जानती. फोन करके देख लिया था ना. लुक स्वीट हार्ट, वी कांट गो देयर एज अनइनवाइटेड गेस्ट्स, व्हिच इज कांट. आंटी सी. यस, यू कैन बी आरती. जी अबे ओ बेवकूफ गधे, बताया भी नहीं कि तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है. वो तो तुम आरती ही ना इसकी बीवी. यू आर एब्सोल्युटली राइट बुआ जी. जी, तुम्हें कैसे पता कि मैं बुआ जी हूँ? बताओ बताओ. In the words of my पति देव, to see अर्चना बुआ जी is like getting a breath of fresh air. तो फिर guess करना कौन सा मुश्किल था? Oh, I must say I'm flattered. अरे लेकिन ये क्या, मैं आई हूँ और तुम लोग कहीं जाने की तैयारी करो. ये पैकिंग कैसे? बुआ जी, अगर हमें पता होता कि आप हमें आकर सरप्राइज देने वाले हैं तो हम ये गुस्ताखी कभी ना करते. कहो तो हम अभी अनपैकिंग कर लेते हैं. Not a bad idea at all. आए लागू बुआ जी. God bless you, my favorite भतीजे. पर हाँ बहू रानी जी,
आपको ये बड़ों के पांव छूने वाली बात किसी ने नहीं बताई? अब आपके फेवरेट भतीजे हटे तो ना? Of course, please. झुको झुको, अच्छे से झुको। पहली बार किसी कनेडियन बहू से पांव छुआ रही हूँ और पांव छुआने का तो मुझे बहुत शौक है। अच्छे से, कोई तकलीफ है क्या? कौन सा महीना है मेरे कान में बता दो। अच्छा, हेलो। अरे संगीता, अच्छा हुआ तूने फोन उठाया। कौन बुआ जी? अरे जल्दी से बिमला नायन को बुलवा भेजो। क्यों, क्या हुआ? अरे बेवकूफ लड़की, तू बुआ बनने वाली है। तेरी आरती भाभी का पांव भारी है। ऐसे बिना गोद भराई के वापस चली जाएगी तो अपशगुन नहीं होगा क्या? समझा देना अपने उस अहमद बाप को। कल विशाल और आरती को लेके कलकत्ते पहुँच रही हूँ मैं। That's splendid news. Bye. किसका फोन था? रख दो। कमाल के आदमी हैं आप भी। दो तीन साल बाद बेटा घर आ रहा है, बहू आ रही है, वो भी गर्भावस्था में, और आपके चेहरे पर खुशी की किरण तक नहीं। हाँ हो। अगर परमात्मा की यही इच्छा है कि बड़े बेटे और बहू की संतान ना हो, तो इतनी कृपा क्या कम है उसकी कि ये घर खुशियों से भर जाए। एक नन्हा सा ममता तो अभी से ठाठे मार रही है मन में जी। इधर देखो, क्या अर्थ समझू मैं आपके तेवरों का? जरा समझाएंगे आप? जिस औरत को मैं अपने घर की बहू ही स्वीकार नहीं करता, उसके आने की खुशी कैसी? अब उसके पेट में बच्चा हो या वो पांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे अशुभ वचन। अब ये भी कह दो कि दो तीन साल बाद बेटा घर आ रहा है, उसके आने की भी कैसी खुशी, क्योंकि वो तो मर गया है ना आपके लिए। ओके, वी आर डन। थैंक्स विशाल। ये बाकी की जगह खाली रहने देना। क्यों? हम कलकत्ता जा रहे हैं। We must buy some gifts for them. क्या बात है? विशाल, there's a lack of enthusiasm on your part. हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं, किसी प्रिजन में तो नहीं जा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एनीवे, तुम अपने लिए चाय मंगवाओ, जब तक मैं गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। I won't take long. Yeah. Good morning, बुआ जी। Good morning. We are nearly ready. मैं अभी आती हूँ। Okay. बड़ी प्यारी बहू लाया थी। तेरे सहारे बैठते ना लेजी बोन्स तो दो दिन तक यहीं भटकते रहते। बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन करा के लाई। पूछो कैसे? कैसे? वो जो टिकटिंग ऑफिसर था ना, उसे बेटा बेटा कह के इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो सोचा पता नहीं कब की बिछड़ी हुई आंटी मिल रही है। फटाक से तीन टिकटें कलकत्ता, हियर वी कम। गुड। अरे गुड क्या, कुछ रौनक लाओ अपने चेहरे पर। तुम्हारे पीहर जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। शेखर, शेखर, शेखर! मां, क्या हुआ मां, क्या बात है? कहां है उसका नंबर? किसका नंबर मां? तुम्हारे भाई का और किसका? तुमने फोन रिसीव किया था ना उस दिन? हाँ, मैंने यही कहीं डायरी में लिखा होगा, लेकिन क्या हुआ? फोन करो उसे अभी, इसी वक्त। कह दो उसे कि माता आपकी लाड़ी को लेकर यहाँ इस घर पे उसके लिए कोई जगह नहीं,
मर गए हम अपने बाप के लिए। माँ, माँ जी, माँ जी, माँ जी संभालिए अपने आप को प्लीज। You think भाऊजी doesn't love विशाल? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। भाऊजी loves him very much। बस बस माफ नहीं कर पा रहे उसे। हाँ माँ, अरुणा ठीक कह रही है। आप तो जानती हैं कि बाबूजी को अपने उसूल बहुत पसंद हैं। लेकिन लेकिन फिर भी माँ, आज नहीं तो कल वो भूल जाएंगे जो कुछ भी हुआ। नहीं नहीं भूलेंगे तेरे बाबूजी, नहीं भूलेंगे। माँ माँ प्लीज शांत हो जाइए। माँ प्लीज, माँ चुप हो जाइए। माँ प्लीज। नो डाउट आरती इज अ वेरी नाइस गर्ल, चेयरफुल, डिसेंट, दिल की बहुत अच्छी, बीन अ वेरी गुड मॉरल सपोर्ट टू मी। पर बुआ जी, बाऊजी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इन द फैमिली। देखो बुआ जी, बाऊजी चाहे मुझे लाख बुरा भला कहे, आई डोंट माइंड, लेकिन अगर उन्होंने आरती को कुछ भी कहा, एनीथिंग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा तुम अपने गुस्से को काबू में रखना, बाकी आई एम देयर ना, आई विल मैनेज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आई नो बाऊजी टू वेल बाऊजी। पर मेरी समझ में नहीं आता, व्हाट हैज ही गॉट अगेंस्ट हर? यही कि वो बाहर जमी और पड़ी है। ये एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सीमा। वो अपने ब्रिजमोहन गुप्ता की बेटी? जहां तक मैं समझ सका हूं तो बाऊजी ने मुझे इस बात के लिए माफी नहीं किया कि सीमा की बजाय मैंने आरती से शादी क्यों की। वैसे ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी उठता है, सीमा और तुम तो एक दूसरे को बहुत चाहते थे ना। लेकिन कनाडा में मैं आरती के करीब आ गया, बात शुरू दोस्ती से हुई, फिर बात आगे बढ़ गई। वहां की लाइफस्टाइल्स तो आप जानती हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि सिवाय काकू जी के मेरी इस बात को इस घर में और कोई नहीं जानता। न जाने क्यों आपके सामने मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि मैं सब कुछ आपको कन्फेस करना चाहता हूं। बोलो ना बेटा। एक दिन हम दोनों की दोस्ती ने इंटिमेसी की शक्ल ले ली। जब आरती ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो अबॉर्शन के लिए भी तैयार है, तो मैं नहीं माना। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और उसी दिन मैंने आरती से शादी कर ली। एक बात पूछूं, अगर ये ना हुआ होता तब भी क्या तुम आरती से शादी करते? अब यही जानना चाहती हूं ना, मैं किसे ज्यादा प्यार करता हूं? फिर सच बात यह है बुआ जी के सीमा को मैं ना अपने मन से भुला पाया हूं, ना भुला पाऊंगा। I'm sorry. Actually, I'm the clumsiest person in the entire world. इतनी जल्दी जल्दी मैं किन्हें संभालना ही भूल गई। I hope you're not getting late. No, not at all. Let's go. अब यही जानना चाहती हूँ ना, मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूँ? सीमा को मैंने अपने मन से भुला पाया हूँ, ना भुला पाऊंगा। ब्रिज, सीमा की शादी कर दो। हाँ माने तो ही ना, शादी का नाम लो तो नाराज हो जाती। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं ब्रिज। देखो अब फिर वही तुम छाछ और बेटी मांगवा की लाज नहीं ब्रिज। छाछ और बेटी मांगने में किस बात की शर्म? इसीलिए तो मैंने सीमा को विशाल के लिए बिना संकोच के मांग लिया। सीमा के मन में भी आशा जगा दी, लेकिन हमारे सपूत ने दिखा दी अपनी सपूती किसी और को ब्याह के, और आ रहे हमारे साहिबजादे कल लाड़ी के साथ। देखो जो हुआ सो हुआ,
अब ना तो मुझे तुमसे कोई शिकायत है ना विशाल से। ये तो तुम्हारी उदारता है, बट आई स्वेयर ब्रिज, आई विल नेवर फॉरगिव माय सन फॉर दिस, नेवर। ठीक है हम लोग टैक्सी पकड़ के भी तो जा सकते हैं ना, आए हैं तो घर तो जाना ही होगा ना। It's all right, Vishal. You don't have to be so upset. Upset होने की बात तो हुई ना। After all, there's not a soul to receive us. I mean, तुम दोनों को बहू पहली बार घर आ रही है और बहू तुम भी क्या सोचती होगी? नहीं नहीं बुआ जी, it's all right. Vishal, is that you? Hi. Hey, Anu. Hi. What a surprise. Hi. Hello. यार ना करो, मैं तो तुम्हारी पोजीशन का एडवांटेज लूंगा। पूछो कैसे? भाई मैं भी टोरंटो छोड़ा हूं, आई एम ओपनिंग अ वेरी बिग कंपनी इन बॉम्बे, सो ऑब्वियसली कैलकटा के इंडस्ट्रियल हाउसेस को तो मैं इन्वॉल्व करूंगा। And who can be of more help than your old man and your grand old man? Look, you can depend on me whenever you want. I'm here. Right, buddy. Thanks. लगता है आरती को ये बात पसंद नहीं आई। Ah, she's okay. Don't worry. What time's your flight anyway? Bus in 20 minutes. Oh, but I'll drop into Calcutta again to see you. All right. Bye. Have a safe flight. Thanks. Bye. क्या ज़रूरत थी उसे ऐसे assurances देने की? Come on, Aarti's an old friend of mine. I mean, he's a noob, yeah. No comments. तो तेरी कसम घर के सारे बंदों को लेकर कनाडा चला आता मैं। बाबूजी को छोड़ दो। Hey, don't be so bitter. Anyway, आरती भाई जी। Bye, लागू। आरती तुम्हें घर में अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अब आई होप यू वोंट माइंड इफ आई कॉल यू आरती। नो नो, इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, तुम अकेले आए हो? जी वो इस घर की प्रतिष्ठा मान मर्यादा सब खत्म हो गई है क्या? कुल वधू का इस तरह स्वागत किया जाता है? नहीं बुआ जी, दरअसल आना तो सभी लोग चाहते थे लेकिन बाबूजी ने। कोई बात नहीं बुआ जी, हमने घर तो जाना ही है, वही मिल लेंगे सबसे। ये भी ठीक है, चलो जल्दी लेट्स गो। गाड़ी कहाँ पे? यही पे, चलो आओ बुआ जी। कम ऑन। संगीता का मन भी नहीं रख सकते हा? बेटी है तुम्हारी। घर का दरवाजा बेटे के लिए और उस औरत के लिए खोल दिया है जिसे वो ब्याह के लाया है, क्या ये कम है? संगीता तेल चूने की रस्म पूरी करने को कह रही है, क्या वो गलत कह रही है? प्लीज बाबूजी, मैंने अपनी सारी सहेलियों को कह दिया है और फिर विमला रानी नयन भी। किसकी इजाजत से? इजाजत? कैसी इजाजत? बहू घर आ रही है, हमारे कुल की वधु, वो उसी आदर और सम्मान के साथ इस द्वार से प्रवेश करेगी जिस सम्मान के साथ मेरी सास ने मुझे दहलीज लंघवाई थी। संगीता, अपनी सहेलियों से और नायन से कह दो रीति और विधियों के लिए तैयार रहें। सच माँ? जाओ।